अबाउट वॉटर, ठीक है। यस, व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट आर द मोड ऑफ ऑपरेंस ऑफ मिनरल्स, के हमें मिनरल्स जो है मिलते कहाँ से हैं, ऑकर कहाँ से होते हैं मिनरल्स, कौन से डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स पे मिलते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, कुछ हमके शाइनिंग होते हैं, कुछ हार्ड मिनरल्स होते हैं। तो डिफरेंट मिनरल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हमें मिलते हैं, डिफरेंट रॉक्स में मिलते हैं। कुछ मिनरल्स आपके सी बॉडीज में भी मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, व्हिच वी विल डिस्कस इलैबोरेटली टुडे कि क्या होते हैं मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मेटालिक मिनरल्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो थ्री पार्ट्स आपके? फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स साइंस में पढ़ा है, फेरस इज द टर्म यूज फॉर आयरन ओर, आयरन जिस ऐसा मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट होते हैं उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? फेरस टर्म हम यूज करते हैं। तो फेरस इट मींस कंटेनिंग आयरन। मेटालिक मिनरल्स में जो फेरस है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स क्या क्या है आपके? आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबार, दीज आर लाइक सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। मेटल्स पता है ना, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस थिंग, दिस इज अ मेटल, ओके। और क्या बताऊं, व्हेन दे लुक द बॉडी, द बॉडी ऑफ दिस पेन इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। अब कोई है, अब नॉन मेटल क्या हो जाएगा? नॉन मेटल में जैसे कि कॉपर है, पेंसिल की लेड देखी आपने, टेबल है, टेबल, बट ये अभी हम नहीं, नॉन मेटल ही डिस्कस, ये वाला डिस्कस नहीं कर रहे और फर्दर इसका सेग्रीगेशन किया गया है। जैसे कि बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गए, लेड हो गए, ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। लेड में जैसे कि आपका पेंसिल की जो लेड होती है, ठीक है, वो हो गया। कॉपर, ठीक है, कॉपर जो नॉर्मली जितने भी वायर्स वगैरह हैं उसमें यूज किया जाता है कॉपर का, क्योंकि चीप पड़ता है और ये दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम देखा होगा एकदम, सिर्फ मतलब कि उसका जो बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, और उसका जो लाइक लुक है या फिर आप बोल सकते हो दिखने में एकदम सिल्वर कलर सा होता है, ठीक है, तो वो भी मेटल नहीं है, ओके। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फेरस मेटल्स, सॉरी फेरस मिनरल्स नहीं है, नॉन फेरस मेटल्स है ये। प्रेशियस है गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपके क्या है, आपके प्रेशियस मेटल्स हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव हैं, बहुत रेयरली हमें फाउंड होते हैं, बहुत कम ऐसी प्लेसेस हैं हमारे अर्थ में जहाँ पे हमें सिल्वर फाउंड किया, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम फाउंड होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेशियस मेटल्स बोलते हैं, ओके। नॉन मेटेलिक में यू कैन से माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ये सारे, ये मार्बल है, ये देख लो ऊपर जो ये क्या पीओपी क्या होता है, क्या व्हाटएवर, ये सब क्या है, सीमेंट जो है, ठीक है, ये सब मेटल, मेटलिक मेटल फीचर नहीं है ना, कैरेक्टरिस्टिक मेटल का नहीं है ना, तो ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं जो हमें मिनरल्स मतलब रॉक्स से जो मिनरल्स मिलते हैं उसी में कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारे आपके क्या है, कुछ एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लाइक वी आर कुकिंग फूड, तो उसमें भी कोल का भी यूज हो रहा है या फिर कुछ नेचुरल गैसेस का यूज हो रहा है। वी व्हीकल्स चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, ये सब का जरूरत पड़ रही है। इलेक्ट्रिक वाला भी है, तो उसमें हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
राइट, तो दीज आर लाइक सम ऑफ द एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, सो नाउ डिस्कस करते हैं इनको इलैबोरेटली. फेरस मिनरल्स, लुक एट पेज नंबर 50. फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक मिनरल्स. दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ metallurgical industries. India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal needs. जितने भी metallic minerals का production है उसमें से जो 3/4 production है वो आपका किसका हो रहा है? Ferrous mineral का production हो रहा है. ठीक है, India is like one of the most important country or one of the country who exports ferrous minerals after fulfilling her all the internal needs. उसके बाद ऐसी कैसी कंट्री है जो बहुत ज्यादा ferrous minerals को क्या कर रही है, export कर रही है. एक जो ferrous minerals है जो भी metallurgical industries है, metallurgical industries जो metals को बनाती है, ठीक है, different different metals को जो बनाती है, उसमें ferrous minerals जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कोई भी आप इंडस्ट्रीज ले लीजिए, वहां पे कहीं ना कहीं आपका फेरस मिनरल का यूज किया हुआ ही होगा. आप कोई एक बेकिंग इंडस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे केक बन रहे हैं, तो उसमें जो आप ओवन यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी जो भी आप यूज कर रहे हैं बेक करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो भी आपको, तो वो क्या है, वो आपका मिनरल मेटल से ही बना हुआ है ना, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फेरस मिनरल का है. ठीक है, आयरन ओर, आयरन ओर से ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है जो आयरन ओर से, मेटल्स है जो आयरन ओर से निकलते हैं. स्टील हो गया, ठीक है, आयरन खुद भी हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो आयरन ओर से प्रोड्यूस होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर फेरस मिनरल आयरन ओर. सो इट इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अंडरलाइन दिस, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. बताया तो मैंने आयरन चाहिए ही चाहिए, आयरन ओर. कहीं ना कहीं आप अपने रूम में देख लीजिए, कहीं ना कहीं आयरन ओर का यूज हुआ है. आयरन ओर के अंदर आप स्टील बोल दीजिए, आयरन बोल दीजिए, कहीं ना कहीं यूज किया हुआ होगा. आप फैन वगैरह में भी देख लीजिए, कुछ ना कुछ यूज किया हुआ होगा. ठीक है, हाँ, ये जो आप डेस्क देख रहे हो उसमें नेल्स यूज किए होंगे, वो लॉक देख रहे हो वो भी आयरन ओर से बना हुआ है. सो इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इट इंडिया इज एंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर. वेरी इंडिया इज वेरी रिच इन आयरन ओर रिसोर्सेज. इट इज इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच इज द लाइक फाइनेस्ट आयरन ओर विद वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन. इंटरनल असेसमेंट होगा, बट उसके अकॉर्डिंग भी आप एक बार प्रिपेयर तो करोगे ना. तो मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%. पूछ के अभी मैं आपको टाइप्स बताऊंगी कि किसमें कितना कंटेंट होता है. मैग्नाइट जो होता है सबसे फाइनेस्ट होता है, और कितना कंटेंट में हमें आयरन मिल जाता है उसमें, 70% आयरन उसमें से हमें मिलता है. इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये मैग्नेटाइट हो गया. सेकंड है आपका हेमेटाइट. मैग्नेटाइट फाइनेस्ट आयरन ओर होते हैं. सेकंड है हेमेटाइट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट. 50-60% तक का आपका मैग्नेटाइट होता है इसमें. ओके, सो स्पेशली हम जो आयरन ओर के लिए जो हम यूज करते हैं, कौन से क्वालिटी का आयरन ओर यूज करते हैं? हेमेटाइट यूज करते हैं. ठीक है, हेमेटाइट जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में क्वांटिटी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम हेमेटाइट यूज करते हैं. एज कम्पेयर टू मैग्नेटाइट, द परसेंटेज ऑफ आयरन ऑफर्ड इन हेमेटाइट इज लाइक वेरी लो. कम्पेयर टू मैग्नेटाइट इट्स 50-60% आयरन. ओके, आयरन. So after that, just look at this pie chart. ठीक है, this is the production of iron ore showing state-wise share in percent according to 2016 and 2017. ठीक है, according to the data of 2016. ठीक है, कुछ books में होगा कि पहले कभी दिया होगा, तो
उसके बेसिस पे। तो 2016 और 17 के बेसिस पे उड़ीसा जो है सबसे हाईएस्ट आपका आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। सेकेंड नंबर पे आपका है छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे कर्नाटका, फोर्थ झारखंड, सेवेंथ में अदर और भी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से अपने इंडिया के। ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस, डू यू नो बॉक्स गिवन ऑन पेज नंबर 51। कुदरे इन कर्नाटका मीन्स हॉर्स, कन्नड़ में जो कुदरे वर्ड है, ठीक है, कुदरे उसका मतलब होता है हॉर्स। द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ हॉर्स। द बेलादिला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड द हेंस एंड हेंस इट्स नेम। नाउ व्हिच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट? क्या कुदरे? कुदरे इज अ टर्म फॉर हॉर्स इन कन्नड़ लैंग्वेज। बेलादिला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स। I am saying कुदरे, कुदरे जो है resemble करता है जो western घाट की highest peak है। Who will tell me which is the highest peak of western घाट? You have studied this in your previous class. Western घाट, eastern घाट, which is the highest peak of western घाट, eastern घाट? ये भी आपके बहुत ही common question था। ये तो कौन बताएगा? नहीं यार, western घाट की जो सबसे highest गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अन्नमुड़ी। यस, वेरी गुड अंजलि। सो The highest peak of Western Ghat is Annai Mudi, ठीक है? Western Ghat है क्या? Just look at the view. This is the southern part of India. ये west directions तो पता है आपको? भी नहीं पता? नहीं पता तो first class में जाके बैठ जाना। This is west, this is east. Bay of Bengal, Arabian Sea, तो ये वाला जो भी area है इसको हम Western Ghat बोलते हैं। जो शेप है, ठीक है, जो किससे, जो ये पीक है वो किससे रिजेंबल करते हैं? रिजेंबल का मतलब होता है कि किसके जैसे दिखती है। कुदरे जो हॉर्स की शेप होती है ना, हॉर्स के जैसे दिखता है। So, face of horse, sorry, जो horse का face होता है उसके जैसे क्या करता है, resemble करता है। और बेलादिला hills जो है आपका western घाट में again वो ox के जैसा जो hump होता है, hump क्या होता है? उनके ऊपर या ox के नाव के ऊपर एक ऐसा सा structure देखते हो उसके back view। स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर? हाँ हाँ, ऊंट का ऊंट पे और पता नहीं किस किस पे होता है, ठीक है। ओके, हम्प ऑफ एन ऑक्स, इसीलिए इसको बैला, बैल क्या टर्म है? बैल हिंदी में ऑक्स को बैल बोलते हैं ना, बैला दीला उसी टर्म से आया है क्योंकि उसके हम्प के जैसा दिखता है। ओके, फिर आयरन ओर की माइंस की एक पिक्चर दे रखी है। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, आयरन ओर माइन, ठीक है। नाउ हम आयरन ओर जो इंडिया के जो फेमस बेल्ट्स है, इम्पोर्टेंट बेल्ट्स है जहाँ से हम आयरन ओर को माइन करते हैं, वो पढ़ते हैं। उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूस करता है इंडिया में, ठीक है। तो देखिये, इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादमपुर माइंस इन द मयूर भंज and Kendujhar districts. In the adjoining Singhamam district of Jharkhand, hematite iron ore is mined in Bua and Noamundi. ठीक है, तो उड़ीसा में क्या है आपका सबसे ज्यादा कौन सा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है? टू टाइप्स का आयरन ओर आपको बताया था, क्वालिटी के टाइप्स मैंने बताया अभी, हेमेटाइट और
मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी है, हेमेटाइट मतलब थोड़ी लोअर क्वालिटी है। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा हेमेटाइट प्रोड्यूस होता है। और ये जो माइंस के नेम है, एक है बादम बादम पहाड़ माइंस जो मयूर भंज में है, और एक है आपका वहीं से उड़ीसा के ऊपर ही आपका झारखंड टच होता है, तो वहां पे कौन सा है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हेमेटाइट आयरन ओर प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट इज दुर्ग बस्तार। दुर्ग बस्तार चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़। ये जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, अब यहाँ पे कौन सा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है वो याद रखना, और यहाँ की जो माइंस है जैसे बादम पहाड़ माइंस, ये याद रखना मेरी, ठीक है? अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए याद नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट इज दुर्ग बस्तार चंद्रपुर बेल्ट कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है और महाराष्ट्र में है। बहुत ही हाई ग्रेड के हेमेटाइट प्रोड्यूस होते हैं एंड फाउंड इन द फेमस बेलाबीला रेंजेस ऑफ हिल्स इन द बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बस्तार आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो झूमिंग कल्टीवेशन है, बस्तार क्या बोला जाता है बस्तार डिस्ट्रिक्ट में, याद है दीपा? पढ़ना स्टार्ट कर दो, MCQs आप सोच रहे हो कि MCQ तो है कुछ भी लगा के आ जाएंगे, इजी होगा, वहां पे बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, तो इसलिए जो भी आपका NCERT का कंटेंट है एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए NCERT की। कुछ भी MCQ के बेसिस पे ही आएगा, assertion, reasoning, आपको पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज को रीड आउट। अब पैसेज का मतलब ये नहीं उस पैसेज के अंदर ही आपका एक वो आंसर भी होगा, उसके मतलब कि अगर आपने बुक पढ़ रखी है तो आपको पता चल जाएगा कि उससे रिलेट करते हुए आपको आंसर देना है। ओके, सो बैक टू द टॉपिक, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है, बेलाबीला रेंज में है, बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ के बस्तार डिस्ट्रिक्ट में है। The range of hills comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. कितने deposits है? बस्तार district की ये जो range है, 14 deposits है. It has the best physical properties needed for steel making. Steel making की कुछ properties होती है, ठीक है? अगर in case higher studies में लेते हो, minerals वगैरह पढ़ते हो, science लेते हो, तो पता चल जाएगा। तो बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी स्टील प्रोडक्शन के लिए चाहिए उस यहाँ पे हमें अवेलेबल होती है। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान, साउथ कोरिया विया विशाखापट्टनम पोर्ट्स। हम पोर्ट्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? जो आपके कौन से इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, इनलैंड पोर्ट्स हैं, इनके बारे में। तो विशाखापट्टनम, ठीक है, वहां से आपका जो ये छत्तीसगढ़ वाला जो ये आयरन ओर है कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, जापान में, जापान इन साउथ कोरिया। नेक्स्ट इज बालारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलूरु तुमाकुरु बेल्टिंग कर्नाटका। समझ ही आ गया होगा कि नाम से ही कोई कर्नाटका केरला का ही नाम है। तो कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर, ठीक है, नाम बस याद रखना है, थोड़ा सा पढ़ लेना, याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आयरन ओर कर्नाटका में है, कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। कुद्रेमुख अभी पढ़ा था, कुद्रेमुख वाला वेस्टर्न घाट से अनाईगुड़ी किससे रिजेंबल करता है, हॉर्स के फेस के जैसे रिजेंबल करता है, कुद्रेमुख उसका नाम ही, उस हिल का नाम भी कुद्रेमुख दे रखा है, ठीक है। So, Kudremukh deposits are known to be one of the largest in the world. The ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangalore. ठीक है, आप इसको slurry क्या होता है? Slurry पता है क्या होता है? दाल मखनी, देखिए दाल मखनी, हाँ मतलब कोई खाई है दाल मखनी, जो टेक्सचर होता है ना दाल मखनी का, बहुत ऐसे बहुत लिक्विडी भी नहीं होता है और बहुत हार्ड भी नहीं होता, वैसा सा स्ट्रक्चर होता है, स्लरी को उसको बोलते हैं, थोड़ा सा और हार्ड बोल दो उससे, ठीक है, उसको हम स्लरी बोलते हैं, जो हम इजीली क्या कर सकते हैं पाइपलाइन से मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं,
ये जो कर्नाटका में कुद्रेमुख माइंस है वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और यहाँ की जो आयरन ओर है वो काफी, जो ओर है वो काफी स्लरी सी है, ठीक है, दाल मखनी से याद रह जाए ना, स्लरी क्या होता है, स्लरी सी है, इसलिए इसको पाइपलाइन के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट. इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी येट दे आर एफिशियंटली एक्सप्लॉयटेड. आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मार्मागाव पोर्ट. मार्मागाव पोर्ट पड़ेगा, इम्पोर्टेंट पोर्ट है आपका गोवा का. बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे आयरन ओर नहीं मिलते हैं, बट वी ऑल आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर लाइक ग्रीडी, वी आर सेल्फिश, सो हम नेचर को फिर भी एक्सप्लॉयट किए जा रहे हैं, यहाँ के आयरन ओर को क्या कर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ के जो आयरन ओर है कहाँ पे, कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मार्मागाव, गोवा में है मार्मागाव, ठीक है. नेक्स्ट आपका फेरस मिनरल है मैग्नीज. इसमें कोई डाउट है, फेरस मिनरल है आयरन ओर, आयरन ओर और उसके जो बेल्ट्स हैं, ये वाली जो इसमें जितने भी चीजें है ना, कि कौन सी बेल्ट, कौन सा बेल्ट है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कितना परसेंट होता है, ये सब आपको थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट की एसेस कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है, तो लर्न रखना होगा. नेक्स्ट इज मैग्नीज. Used in the manufacturing of steel and ferromanganese alloy. ठीक है, मैग्नीज को हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे और जितने भी अलॉय प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. नियरली 10 केजीज ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील. 10 किलो आपका जो मैग्नीज है चाहिए होता है, 1 टन, 1 टन में कितना होता है, 10 टन, 10 किलो में 10, 10 टन्स आपकी कितने स्टील प्रोड्यूस हो जाती है. इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स. दस किलो नहीं होता, सही तो कुछ आया था, 1 टन इज इक्वल्स टू, यस एवरीबॉडी प्लीज मेंटेन द डेकोरम, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजीस, ठीक है. सो 10 किलो में 10 टन, मतलब 1 किलो में कितना, सॉरी 10 केजीस मैग्नीज में आपका 10 टन स्टील जो है प्रोड्यूस हो रहा है. और ये जो मैग्नीज है ये इम्पोर्टेंट है, और इन चीजों में चाहिए होता है ब्लीचिंग पाउडर. सुना होगा ब्लीचिंग, ब्लीच करवाते हैं, लाइक एक तो मेकअप कलर ब्लीच भी होता है, कपड़ों में ब्लीच किया जाता है, कलर ब्लीच की जाती है, ठीक है, हेयर ब्लीचिंग भी होती है, कलर करवाते हैं तो ब्लीच करते ना, तो उसमें मैग्नीज से इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, प्लांट्स पे जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको मारने के लिए जो दवा छिड़की जाती है. तो जो ये इंसेक्टिसाइड भी बनता है वो किससे बनता है, मैग्नीज से बनता है. पेंट्स, पेंट्स में भी मैग्नीज को डाला जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आपका देखिए, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट 2016 और 17 के अकॉर्डिंग. सबसे हाईएस्ट स्टेट विच इज द हाईएस्ट स्टेट, हाईएस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश 27%, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा 25% ईच, कर्नाटका 11%, आंध्र प्रदेश 10% एंड अदर्स 2%. ओके, नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स. इंडियाज रिजर्व्स इन प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सैटिस्फैक्ट्री. However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a vital role in a number of metallurgical, engineering, and electrical industries.
अब देखिए जो इंडिया जो है फेरस मेटल में, तो उसका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, काफी रिच रिसोर्स कंट्री है, फेरस रिच रिसोर्स कंट्री है हमारी इंडिया। बट नॉन फेरस इज लाइक सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो हमारे बहुत हैवी इंडस्ट्रीज में और जितनी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है उसमें यूज हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपका कॉपर का यूज होता है, लेड का यूज होता है, ठीक है, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, आयरन फेरस में आ गया ना बेटा, नॉन फेरस की बात कर रहे हैं, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निकल रहे हैं, मोस्टली जितने भी कुकवेयर्स हैं आपके स्टील उसके एल्यूमिनियम के भी होते हैं। सो गोल्ड ये प्रेशियस मेटल्स जो पड़े थे हमने, जिसमें गोल्ड सिल्वर भी आपके नॉन फेरस में आते हैं, ठीक है। प्रेशियम को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी और एक्सपेंसिवनेस, इसके अकॉर्डिंग उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बट जो भी है गोल्ड, कर्नाटका में गोल्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है, बॉक्साइट वगैरह बहुत ज्यादा भी अकॉर्डिंग टू इंडिया हम बोल रहे हैं कि माइंस है वहां पे। सो नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल एक पढ़ लेते हैं कॉपर। India is critically deficient in the reserve and production of copper. Being malleable, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and Singhabum district of Jharkhand are leading producers of copper. So डेफिशियंट है कॉपर रिजर्व में, बट कॉपर जो है बहुत ज्यादा लाइक यूज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स काफी डक्टाइल है, मैलिएबल है, ठीक है, काफी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स में कॉपर का बहुत यूज करते हैं हम। वैसे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है सिल्वर है, बट सिल्वर अगर हमने लगा दिया एक्सपेंसिव है, आप क्या करोगे, बायर से चोरी करके ले जाएंगे लोग, ठीक है। कौन कौन सी माइंस है, बालाघाट माइंस फेमस है मध्य प्रदेश में, केतरी माइंस जो है राजस्थान में, और आपकी एक सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में भी कॉपर जो है हमें हमारे इंडिया के जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, गो थ्रू द टॉपिक एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो।